बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इरहमान अस्सलाम वालेकुम मैं हूं राखील हसन गोमल न पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मुबैन खेले जाने वाले तीसरे टी ट्वेंटी मैच में जहां बाबर आजम ने लगातार तीसरी निस्ट सेंचुरी दागी वहीं पाकिस्तान तीसरी दफा जनाब जो रन हैं वो चेस करने में नाकाम रहा और इसी वजह से इस वक्त पूरे पाकिस्तान और जनाब जो भारत है उसके अंदर एक ही डिबेट चल रही है वो ये है कि जनाब बाबर आजम जो है वो अच्छे बैट्समैन तो हो सकते हैं लेकिन विराट कोहली के साथ उनका कंपेरिजन नहीं किया जा सकता क्योंकि विराट कोहली जो है, वो मैच फिनिश करके आते हैं और जो फिफ्टी बनाते हैं वो जनाब विनिंग में जाती है और इसके बाद जनाब पाकिस्तान के जो बात करना शुरू कर दी कि उसकी वजह से पाकिस्तान जो है, वो तीसरा टी ट्वेंटी मैच हारा है पाकिस्तान के कुछ एक वीडियो जनाब आज मैंने आपके सामने रखनी है और उसके अलावा एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड जो है वो बाबर आजम तोड़ने जा रहे हैं विराट कोहली का और तोड़ सकते हैं जनाब अगेन ऐसा हो सकता है एक्सपेक्ट कुछ भी किया जा सकता है लेकिन बाबर आजम कभी भी वो रिकॉर्ड अपने नाम के साथ जोड़ना नहीं चाहेंगे लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रिकॉर्ड विराट कोहली के खाते में है और अब जनाब बाबर आजम के खाते में किसी वक्त भी वो आकर गिर सकता है सो वो कौन सा रिकॉर्ड है जो विराट कोहली के खाते में है और बाबर आजम जनाब जब उनको पता चलेगा कि ये अब उनके खाते में आ गया है, तो वो उसके ऊपर क्यों शर्मिंदा होंगे ये आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है इसके अलावा जनाब पाकिस्तान के कुछ मायानास हाफी जो हैं वो बाबर आजम की जो बैटिंग अप्रोच है इसको बहुत ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बाबर आजम की जो बैटिंग अप्रोच है उसके अंदर पॉजिटिव इंटेंट नजर नहीं आ रहा बाबर आजम जो है वो रन सिर्फ अपने लिए स्कोर कर रहे हैं तो आज की वीडियो में बाबर आजम ने जो तीनों टी ट्वेंटी मैच बैटिंग की इसका कंपैरिजन करेंगे कि जनाब जनाब पाकिस्तान के बाकी जो बैट्समैन है उनके साथ और बाकी बैट्समैनों ने कितने स्ट्राइक रेट कितने पॉजिटिव इंटेंट के साथ बैटिंग की और बाबर आजम इस सीरीज के दौरान क्या कुछ कर चुके हैं यह भी जनाब डिस्कस करना है इसके अलावा दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है एक रमीज राजा साहब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक्स चेयरमैन भी हैं कमेंटेटर भी हैं पाकिस्तान क्रिकेट को रिप्रेजेंट भी कर चुके हैं 1992 का जनाब जो वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीता था उसका आखिरी कैच जो है वो रमीज राजा ने पकड़ा था और रमीज राजा को जिस तरह से चेयरमैन पीसीबी के उहदे से साइडलाइन किया गया था तो अब रमीज राजा साहब जो है वह आज पहली दफा जनाब जका अशरफ और नजम सेठी साहब की जो सियासी तकर्रियां हैं इसके ऊपर खुलकर बोले हैं और बाबर आजम के खिलाफ बुक्स क्यों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर इस इंकशाफ किया शेयर करना है इसके अलावा टीम सेफर्ड जो न्यूजीलैंड के विकेट कीपर बैट्समैन है उन्होंने जनाब जो बाबर आजम के खिलाफ बुक्स रखने वाले लोग हैं उनको ड्यूरिंग मैच जनाब जवाब दिया था और अब वो जवाब जो टीम सैफंड ने दिया था वो मैंने आपको सुनाना है ताकि आपको पता चल जाए कि बाबर आजम जब बैटिंग कर रहे थे तो उस वक्त चल क्या रहा था और ये जितने भी लोग इस वक्त मीडिया के ऊपर बैठकर बाबर आजम के खिलाफ जुबान दराजी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं लेकिन सबसे पहले जनाब अफगानिस्तान टी, टी मैचेस की सीरीज खेलने के लिए भारत गया हुआ था दो मैचेस पहले अफगानिस्तान हार गया था और आज जनाब तीसरे टी मैच में जिस तरह का आगाज जनाब आ, 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 मिला है अफगानिस्तान को तो जनाब भारत के एक लम्हे के ऊपर जो धजियां हैं वो उड़ चुकी थी कि जनाब ये आज अफगानी बॉलर जो हैं वो हमारे साथ कर क्या रहे हैं और अब जबकि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इस वक्त चौदह इशारिया एक ओवर का खेल जो है वो मुकम्मल हो चुका है 105 रन जनाब भारत ने स्कोर किया है और चार खिलाड़ी इनके आउट हैं अब इस स्कोर कार्ड को रीड किया जाए तो लगता है कि जनाब इंडिया जो है उसको मुश्किल का सामना ही नहीं करना पड़ा लेकिन हकीकत यह है कि पहली विकेट भारत की गिरती है अठारह रन के ऊपर और फिर वेरी नेक्स्ट बॉल के ऊपर जो जनाब फरीद अहमद जिनको नसीम शाह ने एशिया कप 2022 में छक्के लगाए थे नहीं वो फजला फरूकी को लगाए थे फरीद अहमद की लड़ाई हुई थी आसिफ अली के साथ उस फरीद अहमद ने जनाब विराट कोहली को जीरो के ऊपर चलता किया फिर शिवम दुबे लास्ट टी ट्वेंटी मैच के हीरो वो जनाब सिर्फ एक रन स्कोर कर पाए और संजू सैमसन जिनको आज तीसरे टी ट्वेंटी मैच में प्लेइंग इलेवन में इन किया गया था वो अगेन जनाब जीरो के ऊपर आउट हुए और जो चौथी विकेट अफगानिस्तान ने भारत की हासिल की थी वो 22 रन के ऊपर हासिल की थी और उसके बाद रीबिल्डिंग फेज जो है वो भारत का शुरू हुआ और अब पिछले जो दो ओवर है इनके अंदर जो भारतीय क्रिकेट टीम है उसने कम किया है लेकिन यहां पर आज मैच एंड होते होते कोई सरप्राइज जो है वो अफगानिस्तान भारत को दे सकता है इस चीज को अभी से हम रूल आउट नहीं कर सकते भारतीय कप्तान जनाब इस वक्त 54 रन्स बना चुके हैं आईपीएल है। 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 में 30 रन चेज किए थे पांच ने ने थे उसके बाद से जनाब पूरी दुनिया रिंकू सिंह रिंकू सिंह रिंकू सिंह का जो नाम है वो ले रही थी और अगेन जनाब आज उन्होंने रोहित शर्मा के साथ मिलकर जो भारतीय कश्ती डूब रही थी उसको जनाब तूफानों से निकाला है, लेकिन अभी भी जो कश्ती है वो मुकम्मल तौर पर तूफान जो तूफान है उनसे बाहर नहीं निकली और अगर यहां पर एक दो मजीद विकटें गिरती है तो फिर भारत जो है वो जनाब एक बड़ा स्कोर करने में नाकाम हो जाएगा और अफगानिस्तान जनाब बैटिंग करते हुए जनाब के अंदर एक सरप्राइज जो है वो इंडिया को दे सकता है सो अब आते हैं जनाब बाबर, बाबर आजम के हवाले से चल रही है सबसे पहले पाकिस्तान के साफिया शुब जट साहब शुब जट साहब ने आज अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर जनाब एक वीडियो लगाई और उस वीडियो का आगाज वो क्लैपिंग के साथ करते हैं और आ... वीडियो में तासुर यह जाता है कि जनाब बाबर आजम को वो अप्रिशिएट कर रहे हैं और शेब जट साहब को करना भी चाहिए हम सबको करना चाहिए बाबर आजम ने जो इंटेंट शो किया लेकिन जो कैप्शन शेब जट साहब ने लिखा वो ये था कि आखिर कब बनेगा बाबर मैच विनर और उसके बाद उन्होंने विराट कोहली के साथ एक स्टेटमेंट दी सो वो स्टेटमेंट आप जरा सुने उसके बाद आपको जो रिकॉर्ड बाबर आजम हासिल करने जा रहे हैं आ, वो जनाब आपको बताता हूं और किंग कोहली कितने कर सके आते हैं जिस तरह से विराट कोहली जाते हैं तो मैच फिनिश करके आते हैं भाई आपको पता कितनी टी ट्वेंटी फिफ्टीज विराट कोहली ने जनाब लूजिंग कॉज के अंदर बनाई है नहीं पता ना क्योंकि आपने तो रटे रटाए जो हैं वो बोलने होते हैं तो 11 11 11 11 फिफ्टीज जनाब विराट कोहली लूजिंग कॉज के अंदर बना चुके हैं और बाबर आजम की ये जो लगातार तीन फिफ्टीज लूजिंग कॉज में गई हैं इनको इंक्लूड करके अब 10 लूजिंग कॉज के अंदर जो फिफ्टीज हैं वो हो चुकी हैं सो so, ये जो एक राग जाता है ना कि बाबर मैच फिंचर, आ, बाबर मैच फिंचर नहीं यार, मैच फिंचर है तो विराट कोहली के साथ उस बैटिंग लाइनअप के अंदर लड़के कौन से होते हैं इसके ऊपर डिस्कशन नहीं की जाती कि विराट कोहली अगर चालीस गेंदों के ऊपर छियासठ बनाता है तो नीचे से कोई आता है और वो दस गेंदों के ऊपर तेईस रन भी बनाता है कोई हार्दिक पांड्या भी होता है कोई रविंद्रा जडेजा भी होता है कोई के राहुल भी होता है कोई ओपनिंग के ऊपर जनाब रोहित शर्मा भी होता है और ये नहीं बताएंगे जनाब बाबर आजम अकेला खड़ा रहा साथ वाले जनाब आए सलामी पेश की न्यूजीलैंड के बॉलर्स को और दोबारा घर चले गए और आज इसी जानब जनाब ड्यूरिंग मैच जब लास्ट ओवर्स चल रहे थे पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप के और पाकिस्तान मैच आ चुका था उस वक्त टीम जो थे वो माइक के ऊपर कमेंटेटर्स के के साथ कर कर रहे रहे थे थे टीम विकेट कीपिंग आज के मैच में और फिन एलन ने जो पाकिस्तान की धुलाई की है तो दूसरे एंड से खड़े होकर टीम सेफर्ड देख रहे थे और टीम सेफर्ड ने जनाब थर्टी और तो स्कोर किए लेकिन उन्होंने फिन एलन को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की कि भाई मैं तुझे सिंगल करके देता हूं तेरा बल्ला रन्स जो है वो उगर रहा है तू छक्के मारी जा रहा है तो तू मारता रहा तो इसी करने के लिए जाऊंगा इस ओवर में बाउंड्रीज के लिए जाऊंगा तो उसी ओवर के अंदर जनाब पाकिस्तान की जो विकेट है वो गिर जाती थी और फिर बाबर आजम अब, बाबर आजम जो है वो भी बैकफुट पर जाने पर मजबूर हो जाते थे ये स्टेटमेंट दी है टीम सेफर्ड ने तो अब आपको समझ आई है जो अक्ल के आरी और अकल के अंधे जनाब बाबर आजम के बुक्स में डूबकर ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं ना कि बाबर आजम तो सेल्फिश होकर खेल रहा था वो जनाब उन्होंने आज मैच देखा ही नहीं है उन्होंने कमेंटेटर्स जो बातें कर रहे थे वो जनाब वहां पर सुनी ही नहीं है उनको पता ही नहीं है कि आज मैच में हुआ क्या क्या है उन्होंने सिर्फ स्कोर कार्ड रीड किया अच्छा जनाब बाबर आजम फिफ्टी एट रन खेलकर टीम एफर्ट जनाब हंड्रेड से रन के स्ट्राइक रेट से आज जनाब बाबर आजम के पीछे पड़ जाते हैं जिस तरह से पागल जनाब ये पढ़ते हैं किसी इंसान को देखकर तो उस तरह से जनाब ये काम जो है वो किया जा रहा है और अफसोस की बात है कि पाकिस्तान के सीनियर साफी भी इसमें शामिल है और अब जनाब जो शर्मनाथ रिकॉर्ड मैंने बता दिया ना कि 11 जो फिफ्टीज हैं वो विराट कोहली ने लूजिंग काज के अंदर बनाई हैं बाबर आजम अब जनाब तीसरे टी ट्वेंटी मैच में जो फिफ्टी लूजिंग कॉज के अंदर गई है इसको इंक्लूड करके दस फिफ्टीज लूजिंग कॉज के अंदर बना चुके हैं और विराट कोहली का जो ग्यारह लूजिंग कॉज के अंदर बनाने का रिकॉर्ड है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है इसके बाद आठ जनाब जो लूजिंग कॉज के अंदर फिफ्टीज बनाई हैं उनके नाम है केन विलियमसन शकीबुल हसन अफगानिस्तान से निकुलस प्रोरन इंडीज से फाफ डुप्लीसी साउथ अफ्रीका से और डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया से सो अगर टी ट्वेंटी मैच में बाबर आजम को बैटिंग करने का मौका मिलता है तो फिर जाती है और बाबर आजम की फिफ्टी लूजिंग कॉस के अंदर चली जाती है तो यह शर्मनाक रिकॉर्ड जो है यह बाबर आजम के खाते में आ जाएगा और इस शर्मनाक रिकॉर्ड के बाबर आजम के खाते में आने की रीजन बाबर आजम नहीं है बल्कि दूसरे एंड पर जो खड़े खिलाड़ी जो जनाब अपनी रोल बेहतर तरीके से अदा नहीं कर पाते वो है विराट कोहली के साथ भी समो ये होता है और बाबर आजम के साथ भी अब जनाब ये होना शुरू हो चुका है और तीनों टी ट्वेंटी मैच के अंदर यही सब कुछ हुआ इसी जा... लिए टीम सैफेड ने भी ये स्टेटमेंट जनाब ड्यूरिंग मैच जो है वो दी अब आते हैं जनाब बाबर आजम के स्टैट्स बाबर आजम इस सीरीज के अंदर नंबर थ्री के ऊपर डिमोट किए गए प्रमोट नहीं किए गए डिमोट किए गए कहा ओपनिंग पे आप अच्छा नहीं खेलते आप अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ नहीं खेलते। बाबर आजम नीचे आए बाबर आजम ने इस सीरीज में जनाब वन फिफ्टी सेवन के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की है जबकि पाकिस्तान के बाकी जो छह बैट्समैन हैं उन्होंने सिर्फ 146.79 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की है अठारह छक्केट्समैन उन्होंने लगाए चौदह चौके भी उन्होंने लगाए और बाबर आजम अकेले शख्स ने जनाब इक्कीस चौके और पांच छक्के जनाब ये तीन मैच के अंदर लगाए हैं की रेशियो जो है वो कम है लेकिन बाबर आजम का जो कैलिबर है और पता है कि बाबर आजम जनाब डाउन दी ग्राउंड जो शॉर्ट हैं वो ज्यादा खेलते हैं और बाउंड्रीज हिट करने की जान वो ज्यादा जाते हैं बजाय इसके के वो जनाब छक्के लगाने की जाने जाए लेकिन आज और इस सीरीज में खास तौर पर बाबर आजम छक्के लगाने की जाने भी गए हैं और उन्होंने छक्के लगाने की कोशिश भी की है सो पॉजिटिव इंटेंट जो है वो बाबर आजम की बैटिंग में इस सीरीज के दौरान देखने को मिला है और जनाब अब आते हैं जका अशरफ साहब और जो नजम साहब ने गुल खिलाए रमीज राजा साहब अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर व्लॉग कर रहे थे और उन्होंने कहा कि जनाब पाकिस्तान को आज मार जो पड़ी है ना टीम सेफर्ट से ये एक मैच के अंदर खराब बॉलिंग की वजह से नहीं पड़ी बल्कि ये जब से सियासी लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के करता धरता के तौर पर जो जिम्मेदारियां अदा करना शुरू की थी तब से यह काम शुरू हुआ है और फिर उन्होंने कहा कि नजम सेठी साहब जब मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन के तौर पर सामने आए और जिस तरह से रमीज राजा साहब को निकाला गया ये भी सबको पता है तो नजम सेठी साहब जब आए तो इनको लगा कि बाबर आजम का जो ग्रुप है वो तो बड़ा स्ट्रांग हो चुका है

पता ही नहीं है क्रिकेट का और जका शर्फ साहब की सोच का इसी से अंदाज़ा लग सकता है कि आपने डायरेक्टर बनाया मोहम्मद हफीज़ को नवंबर के अंदर नवंबर में हाँ वर्ल्ड कप फाइनल नवंबर के अंदर हुआ और डायरेक्टर अपॉइंटमेंट हुई और जो पोस्ट ऐड की गई डायरेक्टर की और जो एडवरटाइजमेंट दी गई थी वो जनाब दौरा ऑस्ट्रेलिया से एक दिन पहले दी गई थी और ये पता चला था कि दौरा ऑस्ट्रेलिया पर जो टीम डायरेक्टर है वो मोहम्मद हफीज़ हैं सो ये नाहली है और जक जो रमीज़ राजा साहब हैं वो सम हो इंडिकेट कर रहे थे कि जो कोचिंग कोचिंग पैनल के अंदर बैठे हुए लोग हैं वो जनाब सिफारशी लोग हैं इसीलिए वो क्रिकेट बोर्ड के लिए काम कर रहे हैं वो टीम के लिए या खिलाड़ियों के लिए या पाकिस्तान के लिए काम नहीं करे सो दिस इज इट फ्रॉम टूडेज एपिसोड अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपनी कीमती रहेगा इशारा लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें शुक्रिया अल्लाह हाफिज